देखिए ए और बी इस एग्जांपल पर हम लोग का कंस्टेंट रिलेशंस का 4f की फोर्सेस आगे की तरफ खींचा जा रहा है और ये हमने बोला था जब ये कोई स्ट्रिंग सिंपल स्ट्रिंग दिया हुआ है इसमें इन एक्सटेंसिबल लेना है इन एक्सटेंसिबल मतलब क्या हुआ उसका लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा ठीक है तो मान लो कि ये वाला जो है बॉडी जो है एक्स बढ़ा गया और ये वाला बॉडी कितना आगे बढ़ा ये वाला बॉडी वाई आगे बढ़ा और ये क्या इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग तो यहां पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू x हो जाएगा क्योंकि भाई ये जितना बढ़ेगा उतना इसको भी बढ़ना पड़ेगा इसका लेंथ तो फिक्स है ये तो चेंज होने नहीं जा रहा तो अब हम यहां से दोनों के वेलोसिटी को या एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट y हुआ तो अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा va और ये क्या आ जाएगा vb क्योंकि y इसका डिस्प्लेसमेंट है a का डिस्प्लेसमेंट इसका वेलोसिटी देगा उसका डिफरेंशिएशन a का यहां पर va इक्वल टू vb यही सेम चीज यहां पर भी करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b तो यहां पर यही क्या हो गया इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन ये हो गया कंस्ट्रेंट रिलेशन ठीक है उसके बाद यानी कि हमें क्या करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना है डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड करना है एक बॉडी के डिस्प्लेसमेंट होने से दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है समझ में आ रहा है क्या हमें टारगेट करना है उसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बॉडी में जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो दूसरे बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है ठीक है इसी चीज को हम क्या करते हैं नोट में लिख देते हैं यहां तक आई होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आप लोगों का नोट डाउन होगा अब इसका इंग्लिश लिखिए नोट देकर के लिखिए टू डेवलप कंस्ट्रेंट रिलेशन और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of velocity and acceleration to develop constraint relation of velocity and acceleration try to relate displacement of bodies try to relate displacement of bodies yes sir try to get back to me try to relate displacement of bodies and differentiate with respect to time and differentiate with respect to time and differentiate with respect to time तो जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं इसमें से जेई या नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट को किसी तरीके से रिलेट कर देना है हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए किसी भी तरीके से डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर देना इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटिव सॉल्व करेंगे तो चीजें हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा कर कि आपके सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं या आने वाले हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका नंबर वन लिखिए सर सर Find velocity of end A. Find velocity of end A.
when rod is inclined back. When rod is inclined at theta with horizontal. Find velocity of angle when rod is inclined at theta with horizontal. पहले देखो डायग्राम से हम सॉल्व करेंगे. डायग्राम में देखना है कि क्या क्या उस हिसाब से होगा. देखो ये वॉल है, ये कोई दीवार है और ये जो है फ्लोर है यानी कि ग्राउंड. एक रॉड है ए हो गया और ये एंगल जो है बी हो गया. ठीक है, ये एंगल थीटा. क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि इसे हम वी नॉट वेलोसिटी से आगे की तरफ खींच रहे हैं या ये बी वाला वी नॉट वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है. तो आपको एंड ए की वेलोसिटी फाइंड करना है. फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड ए व्हेन रॉड इज इंक्लाइंड एट थीटा. और बाकी क्या है, ये डायग्राम में शो किया हुआ है वी नॉट वेलोसिटी से आगे की तरफ खींचा जा रहा है. तो ए किस वेलोसिटी से नीचे आएगा ये आपको बताना है. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. इस रॉड का लेंथ आपको दिया हुआ है एल. देखिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करेंगे. ये जो पॉइंट है बी और ए, इनके डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करेंगे. ये हमने ओरिजिन मान लिया. माना कि ये यहां से एक्स डिस्टेंस पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट x है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है y. ठीक है, और मान ली ये वेलोसिटी जो है वो कितना v a के नीचे आ रहा है v a. तो यही हमें फाइंड किया गया है कि v a हमने मान लिया. ठीक है, तो अब एक बात देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है किसका, v का. जब v का डिस्प्लेसमेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. तो यहां पर dx / dt को बहुत ही आसानी से क्या लिख देंगे, v मान. तो ये v पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी अराउंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लाइन पर वेलोसिटी आएगा. ठीक है, और उसके बाद आप देखो ये y का डिस्प्लेसमेंट है यहां से y, a का डिस्प्लेसमेंट है y. तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी. लेकिन यहां पर जो y को डिफरेंशिएटी, y जो है टाइम के साथ में डिक्रीज कर रहा है. ध्यान दीजिए y क्या है, टाइम के साथ में डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, जो y डिक्रीज करेगा तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस d / dt. यहां x जो है टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा था, यहां y जो है टाइम के साथ में डिक्रीज कर रहा है. तो फाइनल वाला छोटा होगा, इनिशियल वाला बड़ा होगा. तो हम क्या लिखेंगे, माइनस d / dt इक्वल टू ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया. अब हम इसके डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट करते हैं. ये देखो ये x है और ये क्या है, y है. तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर. तो हम यहां पर लिख सकते हैं रिलेशन इन x एंड y. रिलेशन इन x एंड y, x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू l स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर. डिफरेंशिएट करते जब हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन. अब हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x * dx / dt plus 2y * dy / dt. l ऑलरेडी रॉड का लेंथ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया.
फूल को हटा दो x dx by dt क्या हो गया v नॉट प्लस y और dy by dt क्या हो गया माइनस a इक्वल टू तो यहां पर क्या हो गया v इक्वल टू x by y इनटू v नॉट तो आप लोग ध्यान से देखिए x by y क्या हो जाएगा x एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज cot थीटा तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू v नॉट cot थीटा क्या हो जाएगा v नॉट cot थीटा यही क्या हो गया कि अगर ये जो है v नॉट वेलोसिटी से ये पॉइंट b अगर v नॉट वेलोसिटी से आगे जाएगा तो ये जो नीचे की तरफ आएगा वो कितने स्पीड से आएगा v नॉट cot थीटा के स्पीड से आएगा चलिए नोट डाउन कीजिए इसको देखिए इसमें से डाउट ये आ रहा है कि डिफरेंशिएशन कैसे हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर तो एक्चुअल में चेन रूल का डिफरेंशिएशन है हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो d by dt of x स्क्वायर एक अगर का डिफरेंशिएट करते हैं d by dt of x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो देखो ये x स्क्वायर है t है तो डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx लव इनटू अब हम dx से डिवाइड किए तो से देखो तो dx by इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x dx by समझ में आ रहा है यस सर अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम y का डिफरेंशिएशन करना है y स्क्वायर का ठीक है तो यहां पर उसके लिए dy स्क्वायर by dy लिख दिया हमने जब dy से डिवाइड किया तो लिखने के लिए dy by dt तो d y स्क्वायर को d y क्या हो गया d y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 y इनटू d y का इनटू d y का ठीक है सेम फॉर l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है एट l इटसेल्फ कांस्टेंट क्योंकि रॉड का जो लेंथ का वो तो इंक्रीज नहीं करने वाला तो l क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा डन हो गया चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं अल्टरनेट मेथड से ठीक है एक और मेथड है उसको समझने का कोशिश कीजिएगा चिटी समझ में आ रही है चीजें चिटी यस सर आप देखो इसको यस सर आ रही है एक छोटी सी बात बताई और ये मैं पूछ रहा हूँ लोगों को ठीक है कि जो रॉड रहता है अगर वो आगे की तरफ जाए क्या उसके लेंथ में कोई चेंजिंग आएगा क्या क्या उसके लेंथ में कोई चेंजिंग आएगा नहीं तो हम ये लिख सकते अलोंग द वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड वेलोसिटी विल बी सेम और उसके लेंथ में कोई चेंजिंग आना नहीं है बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा देखो इसको मैं करता हूं अल्टरनेटिव मेथड सेम डायग्राम ड्रॉ कीजिए वेलोसिटी ये सब कुछ बताए डालिएगा सिर्फ ब्लैक वाला जो है वही ड्रॉ कीजिएगा बहुत ही इजी मेथड है अगर ये आप लोगों को
समझ में आ गया तो फिर वो आसानी से इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। देखो ये हमारा रॉड है, तो हम किसी भी डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। अगर ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो हमारा रॉड क्या है, इनएक्सटेंसिबल यानी फिक्स है, लेंथ क्या है, फिक्स है। तो अलोंग अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डीए होगी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीवी होगी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी वीसी होगी इस डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि हर बार में तीनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जितना दूर ए डिस्टेंस कवर करेगा एक सेकंड में उतना बी को कवर करना पड़ेगा, उतना सी को कवर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ क्या रहना है, सेम रहना है। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं along the length of rod along the length of rod velocity of velocity of each particle of rod will be same along the length of rod, velocity of each particle of rod will be same। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। along the length of rod क्या होगा, ये इसका लेंथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, along the length of rod, तो along the length of rod क्या हो गया, ये v rod है, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, v और cos थीटा, ये v है ये थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये इस डायरेक्शन में रॉड के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, va cos ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहां का एंगल ये थीटा है, 90 ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो यहां का एंगल क्या हो जाएगा, va sin। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फॉर लेंथ एंड टू बी कांस्टेंट v not cos theta is equal to va sin theta, लिख सकते हैं यहां पर और एंड टू बी कांस्टेंट और l to be constant लिख सकते हैं va sin theta is equal to v not cos theta, va sin theta is equal to v not cos theta, तो va is equal to v not cos theta upon v not cos theta upon sin theta, तो यहां पर लिख सकते हैं v not cos theta, v not cos theta upon sin theta, तो यहाँ पर क्या हो गया, v not cos theta। देख लीजिए beauty of this method, इस method की कुछ सूत्र देखिए, दो लाइन का सॉल्व हो गया, वो भी इतना लंबा तो मैंने इसलिए लिखा कि आपको समझना है, आपको समझाना है। जब आदमी समझाता है तो ज्यादा टाइम में एक्सप्लेन करता है, उसका एक्सप्लेन करना पड़ता है, और नहीं समझाना रहता है तो आपको यहीं पर देख कर सीखा हो, तो v not cos theta ये ऐसे ऐसे बिना मेरे ख्याल से बिना लिखे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए नोट कीजिए इसको और इसको बॉक्स बना करके नोट कर लीजिएगा। ये जो हमने
नोट ट्राई करके लिखिए फॉर टू पॉइंट्स, फॉर टू पॉइंट्स कॉमा कॉमा इफ देयर सेपरेशन इज, इफ देयर सेपरेशन इज कांस्टेंट पॉइंट्स के बाद बोल दीजिए कोई बात नहीं अगर कोई बात नहीं है कोई नहीं फॉर टू पॉइंट्स एफ ओ आर फॉर टू पॉइंट्स कॉमा इफ देयर सेपरेशन इज कांस्टेंट देयर सेपरेशन इज कांस्टेंट The separation is constant. Then during motion, then during motion, their velocity components their velocity components their velocity components along the line joining along the line joining along the line joining these points always remain equal always remain equal and always remain always remain equal aur joining ke baad bata dijiye sab dekh lijiye for two points yani kisi do points ke liye comma if their separation is constant agar un dono point ke beech ka separation fix rahega theek hai for two points maan lo ek ye point hai aur ek end point hai ya is ye point ek ye point theek hai और टू पॉइंट्स इफ देयर सेपरेशन इज कांस्टेंट अगर इन दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन क्या होना है कांस्टेंट होना है देन ड्यूरिंग मोशन तो मोशन के समय में देयर वेलोसिटी इस इन दो पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स यानी इन दो पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है जो लाइन उसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा यही छोटी सी बात हमने बताई है यही बात हमने यहाँ एक्सप्लेन किया और यही बात हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं और अभी आने वाले समय में चार पांच नेक्स्ट मेडिकल में हम इसी बात को एक्सप्लेन करते रहेंगे ठीक है आपको दोनों मेथड से आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दोनों मेथड से पता होना चाहिए कि दोनों मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है चलो देखो बात कर रही थी यहां का पूरा वाटर है बात को में पानी भरा हुआ यहां पर टॉय बोट है यानी जो खेलने वाला बच्चों का खेलने वाला जो नाव रहता है ठीक है टॉय बोट यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है रिंग लगा हुआ है स्प्रिट बाय को क्रस बना हुआ है ठीक है और ये स्विंग है टाइट है और यहाँ पर एक बच्चा
खड़ा होगा, पर ये जो वायर जो है ये इस रस्सी को यू वेलोसिटी से अपनी तरफ खींच रहा है, यू वेलोसिटी से खींच रहा है, ठीक है। और ये वायर जो है ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से जितने का एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या करनी है, इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको क्या करनी है वेलोसिटी ऑफ ये देखो ये थीटा एंगल पर खींच रहा है, ठीक है। तो दोनों का कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मेथड वन, ठीक है, मेथड वन में हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए यहां से हमने सारे मेजरमेंट लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ये हाइट एच है, इस हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होना है, लेकिन ये जो लेंथ है इसको लेंथ को हम वाई मानते हैं, ठीक है। इस लेंथ को हमने क्या मान लिया, वाई माना, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट है, वाई माना, यूनियन होता है क्या, नो होता है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आप देखिए ये एच, ये छोटा सा हाइट है उसको नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो ये एक्स हो गया और ये एच हो गया, तो हम यहाँ पर रिलेशन जो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है उससे पहले एक चीज और लिखते हैं, देखो एक्स, एक्स जब कम होगा, एक्स के चेंज होने से क्या हो रहा है, बोट का वेलोसिटी है, बोट आगे बढ़ते जाएगा तो ये कौन डिक्रीज करेगा, एक्स, और एक्स का वैल्यू करना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं कि dx by dv is equal to minus of vv, या minus dx by dt is equal to vv, क्यों, क्योंकि x जो है velocity of boat, boat क्या कर रहा है, इधर आ रहा है, तो x को decrease कर रहा है, ठीक है। और ये y, y में किस, इसके अलावा कौन सी velocity, ये देखो u बनी है, तो y में decrease होने से क्या हो रहा है, u, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, dy by dt is equal to minus dy by dt is equal to minus, इतना हमें पता चल गया। अब हम लिखते हैं x और y के बीच का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन x एंड y,